आज असि एक चैलेंज बारे गल करांगे। मेरा रंग जिहड़ा है वो थोड़ा ग्लो कट करता है, मेरी त्वचा जिहड़ी वो ड्राई रहन लग पई है। इस फेस पैक नूं सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। थोड़ी स्किन नूं टाइट करेगा क्योंकि एक एंटी एजिंग मास्क। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत है ते मैं अमृतसर आहार विहार डाइट ते वेलनेस क्लिनिक तो हाँ। आज असी एक चैलेंज बारे गल करांगे। साडे फेस ते कई तरह दियां छाइयां, मुहासियां दे निशान, कॉम्प्लेक्शन इंप्रूवमेंट, मेरा रंग जिहड़ा है वो थोड़ा ग्लो कट करता है, मेरी त्वचा जिहड़ी वो ड्राई रहन लग पई है, सर्दियों क्रैक्स होन लग पए ने, इस सब दा एक जवाब इस सब विच है जिहदी कीमत वध तो वध कोई 15 to 20 रुपए होएगी। सो यह मेरा चैलेंज है कि तुसी इस प्रोडक्ट नूं, इस फेस पैक नूं सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करना है और इन्हां 7 दिनों विच तुहानूं अपनी छाइयां तो, तुहानूं अपना कॉम्प्लेक्शन डल तो इंप्रूव, डल तो ग्लो करेगा, तुहाडे छाइयां दे निशान घट जाणगे, तुहाडा चेहरा ग्लो करेगा। और यकीन करो, जिस रस्ते चों निकलोगे रोज़ लोग एक बार जरूर पुछणगे कि अजकल तुसीं की कर रहे हो। सो असीं बनाने एक एंटी एजिंग मास्क है जी, जिहदे अंदर तुहाडी जो प्रोडक्ट्स ने वो सब दे सब रसोई चों निकलणगे। इहदे लई एक मास्टर प्रोडक्ट है जी साडा बेसन। असीं 1 चम्मच बेसन लै रहे हैं। सो गर्दन लई भी लगाना होए, सेकंड जो सब तो खूबसूरत चीज़ इस काम करेगी, दही। आयुर्वेद दही तकर नूं अमृत का नाम दिता गया है कि यह अमृत दे बराबर है। तीसरी चीज़ जिहड़ा कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करेगा ते तुहाडियां जिहड़ियां चेहरे दियां लाइनां ने एंटी एजिंग का काम करेगा, वह गाजर का जूस। सो अजकल गाजर जिहड़ी है आराम नाल, लाल गाजर जिहड़ी बीटा कैरोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, मार्केट च अवेलेबल है। खीरे का जूस जिहड़ा साडा कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करेगा, साडे चेहरे के दाग लई यह काम करेगा। हनी शहद जो साडी चुरियां ते काम करेगा। एंड बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर ओलिव ऑयल। एदी जगह तुसी कोकोनट ऑयल, गरी दा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस सब चीज़ों नूं मिक्स करो। मैं रिपीट कर रही हूँ, असी सब तो पहला जी बेसन लिता है, गाजर दा जूस लिता है, खीरे दा पानी लिता है, शहद लिता है ते दही लिता है। यह तुहाडा एंटी एजिंग मास्क है, एंटी रिंकल मास्क है जी, कॉम्प्लेक्शन नूं इंप्रूव करेगा, चेहरे दियां छाइयां नूं, एक्ने जिहड़े मुहासियां दे दाग हुंदे ने। और यह सिर्फ असी गल्लां इस तरह ही नहीं कर रहे, तुसीं सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल करन तो बाद मैनूं पर्सनली कॉल करके पुछ सकते हो। असी तुहाडे सामने इहनूं अप्लाई करना है जी, पूरे चेहरे ते अप्लाई करना है। फुल फेस मास्क है, इनू अराउंड 15 to 20 मिनट तुसी इस तरह ही रखना है। और जो तुसी इनू उतारना है तुहाडे हत्थां ते खीरे दा पानी लगा होए, उस पानी दी मदद नाल तुसी इनू हौली हौली मसाज करदे होए उतारना है। असी ये जिस टाइम वीडियो बना रहे हैं जी, उस टाइम मैं कुछ मिनटां लई ए पैक मेरे हाथ दे उत्ते लगा है और तुसी कुछ मिनटां जी एदा असर देख सकते हो। 15 to 20 मिनट ते तुहाडे चेहरे ते लगियां रहनगियां। 15 to 20 मिनट बाद तुसी अपने हाथ ते खीरे दा पानी लगाना है और ओदी मदद नाल ए पैक जिहड़ा है असी रिमूव करांगे। 15 to 20 मिनट ए पैक जरूर रखना। उस तो बाद असी ए पैक जिहड़ा है निकाल देवांगे। तुसी सिर्फ जिस टाइम मैं वीडियो बन रही सी जी, कुछ मिनटां लिया सी ए पैक अपने हाथ ते लगाया सी, कुछ मिनट्स लई जिन्हों मैं मसाज दी मदद नाल, खीरे दे पानी दी मदद नाल निकाल दिता है। तो तुसी सिर्फ कुछ मिनटां जी जिहड़ा असर है वो देख सकते हो। जिहड़ा दूसरा हाथ है उस दूसरे नालों पहले तो ज़्यादा साफ लग रहा, चमकदार लग रहा और टाइट लग रहा। इहदा सब तो अच्छा असर है, यह थोड़ी स्किन नूं टाइट करेगा क्योंकि यह एक एंटी एजिंग मास्क है। और यह मेरा चैलेंज है, सिर्फ
सत्त दिन का चैलेंज है। सत्त दिन के अंदर अंदर रिजल्ट थोड़े सामने होंगे, उस तो पहले भी मिल सकते, इस तो लेट नहीं होएगा। इस पैक के रिगार्डिंग या एंटी एजिंग मास्क के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, तुम मैं पर्सनली कंटैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।